कोणार्क अपना शहर अपनी बात। बहुचर्चित ट्रैफिक कांस्टेबल जितेंद्र चौहान को ट्रैफिक विभाग के एसपी दत्ता तोटेवार ने सम्मानित किया। बता दें कि हेमलता हितनानी नामक महिला को एक कार ने नेहरू चौक में ठोकर मार दी थी। इसके चलते महिला का प्राथमिक उपचार करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाने का काम जितेंद्र चौहान ने किया। समय पर इलाज करने के कारण महिला की जान बच गई। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी खबर। नगर के नेहरू चौक में जो वहाँ पे मार्केट लगता है, उस मार्केट में हेमलता इंदे नाम की एक महिला जिनकी उम्र 50 साल है, वो मार्केट के लिए कुछ खरीदने के लिए आई थी वहाँ पे। तो उनके पैर के ऊपर से एक इंडिका कार का उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके पैर को बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ था, बड़ी जख्म हुई थी। वहाँ पे जो नेहरू चौक पुलिस चौकी में जो हमारे ट्रैफिक हवलदार तैनात थे, जिनका नाम जीतू चौहान है, जितेंद्र चौहान, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए अपनी जान की बाजी लगाते हुए उन्होंने उस महिला को चौकी में लेके आया कि उनके ऊपर जो फर्स्ट एड करना था वो फर्स्ट एड किया। उनके पैरों को उन्होंने पूरी तरह से उनको फर्स्ट एड करके तुरंत जो साइड में जो हॉस्पिटल था उस हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया और उनकी जान बचाई। उन्होंने अपने जान पर खेलकर एक साहस भरा कार्य किया। इसलिए मैंने आज ट्रैफिक उल्लासनगर ट्रैफिक डिवीजन की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत किया है। और इस माध्यम से सभी मेरे जवानों को मैंने संदेश दिया है कि जो रास्ते पे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको जरूरत है, उनके लिए हमेशा हमको खड़ा रहना है। कोणार्क अपना शहर अपनी बात।